कांग्रेस की ओर से 152 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद अब उम्मीदवारों में अपनी तैयारी अब उम्मीदवार शुरू कर चुके हैं। राजधानी में जयपुर शहर की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जयपुर शहर में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से प्रताप सिंह खाचरियावास, विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल को, आमेर से प्रशांत शर्मा, झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया और किशनपोल से अमीन कागजी को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही समर्थकों में खासा उत्साह है। इस दौरान सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा रहा। इस दौरान खाचरियावास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने, आइए आपको दिखाते हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देर रात हुई सूची जारी में सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। आज प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर जो सिविल लाइन्स के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के आम जन हैं, वो बधाइयों को देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रताप जी, बड़ी खुशी होगी आज तो। देखिए, लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार प्रेम है, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो लोगों का उत्साह और जोश है उससे एक बात साबित हो गई कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त रिएक्शन है। आम आदमी दुखी और परेशान है, लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। जयपुर में 8 सीटें हैं विधानसभा की शहर में, और हम ये मान के चल रहे हैं 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धोखा किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी सब परेशान है। घर में दर्द है, बाहर दर्द है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बंद हो गया, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, व्यापार चल नहीं रहे, व्यापार नहीं चलने से मजदूर भी परेशान है, बजरी बंद हो गई, 45 लाख मजदूर बजरी बंद होने से परेशान है। सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, MP बीजेपी के सिर्फ पैसे खाते रहे, बजरी के नाम पर बड़ा 2 नंबर का काम हुआ। राजस्थान में रोज करोड़ों रुपए सरकार के नेताओं के पास जाते थे। प्रताप जी, ये तो आम मुद्दे हैं, सिविल लाइंस के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके? सिविल लाइंस का सबसे बड़ा मुद्दा है, सिविल लाइंस मेरा परिवार है। आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे पास चलकर आया, मैंने जाति और धर्म की बात नहीं की, उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका काम किया। मैं इस बार सिविल लाइंस के लोगों से कहा है कि सिविल लाइंस के लोगों, आपका हर व्यक्तिगत काम, सामूहिक काम, घर का काम, रिश्तेदार का काम, गांव का काम मेरी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत से लेकर सारा। और सिविल लाइन्स का डेवलपमेंट तो पहले भी हम नंबर वन पर आए थे, जबरदस्त डेवलपमेंट होगा, लेकिन व्यक्तिगत काम भी मैंने जिम्मेदारी ली है। मुझे लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तभी मैं जीतूंगा। मुझे उम्मीद है लोग जुड़ेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं इस बार चुनाव जीत कर आऊंगा। तो ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका दावा है कि सिविल लाइन्स जो विधानसभा क्षेत्र है पिछले 5 साल में विकास से अधूरा रहा है, और जैसे ही कांग्रेस इनको मौका दिया है, इस मौके का पूरा लाभ उठाएंगे और सरकार बनने पर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र को एक बार फिर विकास को गति मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम रतन सैनी के साथ दिनेश सिंह, A1 न्यूज़, जयपुर।